मैम कुंजी, आई एम डॉक्टर शिजा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अच्छा, आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो है रमज़ान। ड्यूरिंग रमज़ान आपको कौन कौन से मसले आ सकते हैं, और फास्टिंग में जो लोग रोज़ा रखते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ सकती हैं, और हम उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। थोड़ा सा मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहूँगी, जो कि चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं लेकिन अक्सर हजार परेशान हो जाते हैं कि हो सकता है हमें कोई दूसरा मसला तो नहीं निकल आया, कोई बीमारी तो नहीं निकल आई, और इस तरह वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं और मज़ीद जो है दवाइयाँ खाकर अपनी कंडीशन को ख़राब करते हैं। अच्छा जी, रमज़ान में, क्योंकि ड्यूरिंग रमज़ान आप फास्टिंग में होते हैं, आपका स्टमक आप बहुत कम इनटेक करते हैं, कम खाते हैं, आपका पानी का इस्तेमाल कम होता है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो है स्टमक इंटेस्टाइन उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम्स किस तरह से आ जाते हैं कि वो एक आप उसको इतनी कॉन्ट्रेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे होते, तो अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ब्लॉटिंग का इशू बहुत ज़्यादा आता है, एबडोमिनल ब्लॉटिंग हमें बहुत ज़्यादा होती है। ऐसे इश्यूज आते हैं, नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, ये क्यों आ सकता है? ये इस वजह से आता है क्योंकि आपने इनटेक आपका प्रॉपर नहीं होता, उस तरह से आप नहीं खा रहे होते, ये इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। डायरिया आ सकता है, डायरिया का प्रॉब्लम आ सकता है, मोशन सिकनेस वगैरह स्टार्ट हो सकता है। इसमें अपनी डाइट को ऐसा किया करें कि सहरी और इफ्तार में अपनी डाइट को मॉडिफाई रखा करें। ऐसे लोग ऐसा करते हैं कि सहरी में बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं और इफ्तारी भी इस तरह से करते हैं, समोसे पकौड़े और ऐसी चीज़ें खाकर, तो इसमें थोड़ा परहेज़ किया करें। परहेज़ से क्या होगा कि आप डायरिया, मोशन सिकनेस और ब्लॉटिंग से बच सकेंगे। ब्लॉटिंग नॉर्मल होता है क्योंकि आपका जो नॉर्मल रूटीन थी पूरे साल की, उतना इंटेक उस टाइम पे खाने पीने की, वो आप जब नहीं कर रहे होते तो वो फिर एक नॉर्मल आते हैं। हम लोग इसको अपने फिजियोथेरेपी हैंडलिंग के ज़रिए भी ठीक करते हैं। अगर आप लोगों को ये इशू है ड्यूरिंग रमज़ान, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा, मूड चेंज हो जाते हैं। अक्सर लोग अगर डिप्रेशन में हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो वो मज़ीद डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका प्रॉपर डाइट इनटेक वैसे नहीं होता। आप थोड़ा आपका स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है, स्लीप आपका सॉल्ट, क्योंकि यूरिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, सॉल्ट आपकी बॉडी से रिमूव होता है, आपका इनटेक वैसा नहीं होता, इस वजह से आपको स्लीप डिस्टर्ब होती है, जो कि आपको एंजाइटी, डिप्रेशन और ऐसे मज़ीद मसलों में, स्ट्रेस वगैरह में मुबतला कर सकती है। तो परेशानी की ज़रूरत नहीं है, फास्टिंग में ये इशूज़ आते हैं। इसके अलावा जो आपका आ सकता है बॉडी में फटीग होना, जाहिर सी बात है जब आप और आप लोग फास्टिंग में करते ही हैं कि फास्ट है और अपनी बॉडी से उतना ही काम ले रहे होते हैं जितना नॉर्मल रूटीन में आप रहते हैं, तो ये आप अपनी बॉडी के साथ जाती करते हैं, फिर आपकी बॉडी उस पर आपके साथ हैप अप नहीं करती, एडजस्ट नहीं होती। प्रॉब्लम्स इसके अलावा आ सकती हैं, लोग अक्सर बोलते हैं बैड ब्रीथ का इशू आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपकी बॉडी में जितनी फैट होती है, आपकी बॉडी सिर्फ उसी फैट को बर्न करते हुए उसको ही यूटिलाइज करती है, तो ये इशू उस वजह से भी आता है। और क्योंकि फ्लूइड इनटेक नहीं होता, तो ये उस वजह से मसला आ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएँ और मज़ीद पूछेंगे, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है, आप परेशान हो जाएंगे स्टमक में, स्टमक में चल रहे होते हैं इशूज़ जो कि ये नॉर्मल है। इसको आप किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं, आप अपनी डाइट को थोड़ा मॉडिफाई रखते हुए, डाइट को बेहतर करते हुए, फ्लूइड इनटेक प्रॉपर करें। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप जी ये अनहाइजेनिक फूड इनटेक करें, तो रोज़ा है उसमें आपको बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं, और उन सिम्टम्स के साथ साथ जब आप ऐसे ही अपनी फूड इनटेक भी रखते हैं, फिर ये मज़ीद आपके मसलों को बढ़ाता है। तो मालन्यूट्रिशन का इशू भी आ सकता है, जो कि ऑलरेडी जिनकी प्रॉपर डाइट नहीं है, मल्टीविटामिन प्रॉपर नहीं है, वो फास्टिंग में जाते हैं, फिर वो मज़ीद मसलों में आते हैं। तो इसको है कि आप पहले रमज़ान से पहले रोज़ा रखना है, रोज़ा रखना चाहते हैं, तो रमज़ान से पहले आपने मल्टीविटामिन को प्रॉपर कर लिया करें, ताकि वो फिर मज़ीद आपको इशू ना कर सकें। तो जी, आप इससे रिलेटेड किसी भी मसलों उठना है, तो हमारा नंबर है 0334004352, हमारा क्लिनिक है DHA पंजाब साइड लाहौर में, आप रब्ता कर सकते हैं।